कलियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय हैं बाकी सांसें उखड़ने में, हो खाली हाथ न है मैं मैनू तो मामा के बारे में पूछने आया था, दरअसल वो जी आंटी मेरे पास ही हैं, यहीं पे। आप लोगों को मेरे लिए वो रिश्ता पसंद है तो आप भैया से बात कर लें। जिंदगी के हर मोड़ पर आपने किसी ना किसी को मेरे मुकाबले खड़ा किया है और मैं हमेशा सरेंडर करता आया हूँ, कभी सुहेल साहब के सामने, कभी हशाम के सामने, और आज भी सरेंडर करता हूँ। खुद हाफिज। अंकल आंटी का एक्सीडेंट हो गया सानी। क्या हुज़ैफ़ा, वो ठीक है ना? को कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक है ना सानी? मेरी बात गौर से सुनो, अंकल आंटी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अंकल आंटी हमारे साथ नहीं रहे। हौसला रखो सानी, सानी मेरी बात सुनो। सानी संभालो अपने आप को। तुमने शहर क्या बदला अब्बास, मैं तो मिलने को तरस ही गई, ना कोई खैर, ना खबर, ना राबता। इतने सालों बाद किस तरह पहुंची हूं मैं तुम तक नहीं जानती। बहनें कोई ऐसे भुला देने वाली हस्ती होती है? इस बीमारी की वजह से तो मैं खुद को भी भुला बैठा। शहर छोड़ा नौकरी की खातिर, नौकरी छूट गई, अपा अम्मी की तो पत्थर लग गई। अलीना ने बहुत बदतमीजी की अम्मा से, यहाँ तक कि उसकी बातों में आकर मैं भी अम्मा से बदतमीजी कर बैठता। बेचारी बहुत आजिज आ गई थी आखिरी मर, अब उसी चरपाई पर पड़ा रहता जिस पर आखिरी वक्त गुजरा था अम्मा। अब मुझे बदुआ लग गई अम्मी की। तुम दोनों क्या करते हो? हम दोनों ने मैट्रिक किया है अभी, और अब कुछ कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन नहीं ली? हमें पढ़ने का तो बहुत शौक था पप्पो, लेकिन घर में खाने को नहीं था, फीस कहाँ से भरते? अम्मी सारा दिन सिलाई करती हैं, बस इसी से गुजारा हो जाता है। अम्मी बोलो, अभी खाने में क्या है? बैंगन का भुरता। अम्मी पप्पू इतनी दूर से आई हैं और दोपहर को भी आपने उन्हें दाल खिला दी, और अब ये बैंगन का भुरता? क्या मतलब है तुम्हारा? दूर से आने वाले क्या दाल सब्जी नहीं खाते? और मेरे पास कोई अलल्लू तलल्लू के पैसे नहीं है कि बेकार में खर्च करती फिरूं। इसी की माँ थी जो झोलियां भर भर के मुझे बद्दुआएं देती थी। अम्मी आपने भी तो ठीक नहीं किया ना दादी के साथ। दफा हो यहाँ से, बकवास किया जा रहा है। बड़ा आया दादी और पुप्पी का सगा। अच्छा मेरी बात सुने, क्या पप्पू यहीं रहेंगी हमारे साथ? किसने कहा तुम्हें? भाई वो इतना बड़ा बैग तो लेकर आई है, और अभी बाबा से बैठी हुई कह रही थी कि मैं जल्दी नहीं जाऊंगी यहाँ से। दो दिन में चलता कर दूंगी यहाँ से। मशीन चला चला के मेरी तो कमर टूट गई है। मैंने क्या ठेका उठा लगा है? सारी जिंदगी तुम लोग को पालो और फिर तुम्हारे आबा औलाद को भी, ये नहीं होगा मुझसे। पप्पू रहेगी, दिमाग ही खराब कर दिया लोगों ने मेरा।
जानू हम जल्दी से वापस आएंगे, ज्यादा देर नहीं बैठेंगे वहाँ। तुम्हें पता है ना ऐसे मौकों पे जाना जरूरी होता है। सब कुछ क्या आसानी, कितना समझाया मैंने तुम्हें, मरने वालों को तकलीफ होती है वो तुम्हें रोता हुआ नहीं मुस्कुराते हुए देखना चाहते, हजार बार कहा कि इतना ध्यान बांटो, घर के कामकाज में दिल लगाओ, इस तरह हर वक्त रोती रहोगी तो कैसे गुजारोगी जिंदगी। कितनी जरूरत थी मुझे अपनी माँ की, अल्लाह मियां ने उन्हें इतनी जल्दी बुला लिया, मुझे बताओ कैसे अकेले इतना सब संभालूंगी। अल्लाह के हर काम में उसकी कोई मसलियत होती है, किसी का कोई काम रुकता नहीं है, सारे काम होते चले जाते हैं। मुझे देखो मैं भी तो स्ट्रगल कर ही रहा हूँ अंकल आंटी के बाद किसी तरह बिजनेस को संभाल लें। हुज़ैफ़ा, आंटी एक बार भी नहीं आई, क्या तुमने उन्हें बताया ही नहीं? कई बार फोन कर चुका हूं मैं पर उनका सेल ऑफ है, पता नहीं कहीं खुशी के अंकल से शादी तो नहीं कर ली। पता नहीं हुज़ैफ़ा, तुमने सबसे ताल्लुक तोड़ दिए, कम से कम आंटी से तो ना तोड़। हुज़ैफ़ा तुम उनसे कांटेक्ट कर। हुज़ैफ़ा मैं बहुत अकेली हो गई, मामा के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि माँ कितनी बड़ी दौलत होती है। हुज़ैफ़ा तुम उन्हें ले आओ, तुम उन्हें मेरे पास ले आओ, हमें उनकी बहुत जरूरत है। हुज़ैफ़ा तुम उनसे कांटेक्ट करो, उन्हें बुलाओ। खाली हाथ ना मैं तो वाली नंद के अब यहीं रहेंगी, काफी दिन हुए हैं उसे आए हुए। क्या करूं मैं, अब किसी को हाथ से पकड़ के तो निकाल नहीं सकते, ये तो आने वाले को खुद ही सोचना चाहिए। अच्छी औरत है बेचारी, मजबूर लगती है थोड़ी। आजकल के वक्त में तो सभी मजबूर हैं बहन, बड़ी मुश्किल से अपना पेट पलता है, चार से पांच हो जाए तो रोटी में से हिस्सा निकालना मुश्किल हो जाता है, और घर में दो कमरे, एक में लड़के होते हैं दूसरे में अब्बास और मैं, वक्त बेवक्त तो बरामदे में बैठकर मैं सिलाई करती हूँ, घर में जगह नहीं, रोटी में हिस्सा नहीं, अब कोई देख कर ना समझे तो क्या किया जाए। असल में बात यह कि तंग नजर लोगों के दिलों में भी किसी के लिए कोई जगह नहीं होती। ठीक ही तो कह रही है बेचारी, कुछ गलत तो नहीं कह रही, बहुत मुश्किल से घर चला रही है। इसका दिल तो उस वक्त भी ऐसा ही था जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इसके छोटे और तंग दिल ने हर चीज को मुख्तसर कर दिया, रिस्क, किस्मत, घर और यहाँ तक के घर के अफरादों। तुम इतने अरसे बाद सिर्फ चार दिन के लिए आई, ये तक भी बर्दाश्त नहीं हो रहा इससे।
जल जल के खाक हो, ये माचिस जल के नहीं दे रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, तो ख्याल आ ही गया तुम्हें? वाह बेटा वाह, भाई इतना करना, मेरे जनाजे पे जरूर आ जाना, इतना तो हक होता है ना बाप का। ऐसे तो ना कहें पापा, पिछले हफ्ते ही तो आई थी मैं, और वैसे भी क्या करूं आकर, आपकी हालत देखी नहीं जाती मुझसे। अरे बेटा क्या होना है मेरी हालत को, ठीक हूं मैं। वो शाम का फोन आया था? आया था कल। हाँ, उसे कहना कहीं गलती से बाप को फोन न कर लेना, है ना? ना खलफ औलाद, पढ़ा लिखा के पाल पोस के जवान कर दिया, जिंदगी जीने का ढंग सिखा दिया, बस इतना ही काम था हमारा तुम लोगों की जिंदगी। मैं आऊंगी पापा, मगर वो अजरा आपा इतनी नागवारी का इजहार करती हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों क्यों नागवारी का इजहार करती है वो? सिर्फ उसका घर है क्या? मेरा नहीं है, मेरे बच्चों का नहीं है, तुम्हारा। हाँ जी पापा, मैं जरूर आऊंगी। हाँ बेटा, मैं इंतजार करूंगा, जरूर आना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। क्या ख्याल रखूं अपना, क्यों ख्याल रखूं अपना? हो गई मेरी शिकायतें, खैर करते हो तो करते रहो मेरी जूती से। अरे अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, ये चाय बगैर आग के बनाओगे इतना भी नहीं मालूम। खैर मुझे क्या लगे भाई, मुझे तो सख्त किस्म की प्यास लग रही है, जूस पीती हूँ, ठंडा ठंडा जूस, ठंडा ठंडा जूस। कैसी औरत है ये, कैसी औरत है ये बदबख्त, जहन्नम में जाएगी सीधी। मामा का पता किया? मामा मेरा मतलब है तुम्हारी मामा सभी आंटी का। हुज़ैफ़ा उन्हें ले आओ जाकर, उनसे कहो कि हमें उनकी जरूरत है। सोच सोच के तो शर्मिंदगी हो रही है मुझे कि अब जाकर उन्हें ले आऊं जब हमें उनकी जरूरत है। कैसी बातें कर रहे हो, मां जैसी हस्ती को कौन भूल सकता है, कौन छोड़ सकता है उसे। अब मैं भी इसी अमल से गुजर रही हूँ, समझ सकती हूँ कि एक माँ को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं अपनी औलाद। समझ नहीं आता कि क्या कहूंगा उसे। मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हारे ये आंसू ने सब समझा देंगे। रतियां बिताऊं मायरी, मायरी। पता है रूबी, मैंने तुम्हारे पापा से कहा है कि आज हम लोगों को कहीं बाहर आउटिंग पे लेके चलें। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप दोनों के बीच मैं क्या करूंगी। चलो हटो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम हमारे साथ जाओगे। तुम्हें पता है जब रिजवान और बेनी कहीं बाहर चले जाते थे ना मुझे छोड़ के, तो मैं उनका नाक में दम कर देती थी। आपकी बात और थी, मगर हर शाम के बगैर मुझे बाहर जाना बहुत उदासी सा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं देखती हूँ। ज़ेफ़ा भैया आप आइए ना। दरअसल मैं मामा के बारे में पूछने आया था। आंटी, आंटी तो नहीं है यहाँ पे। नहीं है मतलब, कहाँ गई? आंटी तो शादी के फौरन बाद ही अपने भाई के घर चली गई थी।
शादी? जी शादी, मेरे पापा और रजवान आंटी की शादी। सभी आंटी ने ही करवाई है इन दोनों की शादी। वैसे तो पापा पहले राजी नहीं थे शादी के लिए, मगर सभी आंटी के कहने पर वो मान गए। आंटी हमेशा यही चाहती थी कि उनके बारे में कोई गलत ना सोचे, और स्पेशली आप। लेकिन बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको उनका। बुझने लगी है आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी है सांसें, हो दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें, ओ मेरा दर्द न जाने कोई हो, मायनी 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 मायनी, कैसे रतियां बिताऊं मायनी। माँ तुझसे मिलने आई, सारी दुनिया से रूठ कर, खफा होकर, अलग होकर, एक माँ के दामन का ही ख्याल आता। जिंदगी में तो ठंडा साया बनकर सुख और खुशी देती, मर कर दिलों में जिंदा रहती। आज तुम होती तो अपने आप को इतना अकेला, इतना तना, इतना उदास ना महसूस करती। तुम्हारा दर्द समझी हो माँ तो, और प्यार आ रहा है तुम पर। कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में, अब तो एक ही खिदमत कर सकती हूँ मैं तुम्हारी। खाली हाथ न में मैनु मो मायनी 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 चैन न पाऊं मायनी 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 मायनी। हमेशा यही किया आपने उनके साथ, वो एक बेबस मजबूर साए की तरह आपके साथ साथ चलती रही। हेलो जफा, तुम जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचो फौरन। घर जाकर कुछ खा के फ्रेश होकर फिर आ जाना, इस तरह बीमार हो जाओगे। और अगर इस बीच में मामा को कुछ हो गया तो। ढूंढूं के थक गया हूं मैं, अपने कहां चली गई, कहां ढूंढूं? मैं आपसे पूछे भाई, क्यों खोया उन्हें? क्या बचा है आपके पास? ऐसा लग रहा है आपको उन्हें खोकर। देखो बिना शायद तुम्हें पता है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं उनके पैर पकड़ के उनसे माफी मांग लूंगा। गलत समझा उन्हें, पता नहीं क्यों वो
और कैसे उन्हें ठेस पहुंचाई मैंने, उन्हें उनकी नजर से क्यों नहीं देख पाया। सारी जिंदगी मुझसे रुक फेर कर चलते रहे हैं आप, हमेशा यही किया आपने उनके साथ, वो एक बेबस मजबूर साए की तरह आपके साथ साथ चलती रही। ठीक कहती हो तुम, लेकिन आप क्या करोगे, कहां ढूंढोगे, बोलो। मामा हमेशा कहती थी कि जब आप छोटे से थे घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाया करते थे, आपको हर जगह ढूंढा करती थी, गलियों में, मोहल्लों में, मस्जिदों में, बाजारों में, और आखिर आप मिल जाया करते थे। ये एक माँ की सच्ची लगन थी। सुनो, ये अब्बास साहब का घर कौन सा है? ये सामने। शुक्रिया। हर पल इश्क दी टूट दी जावे डो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किससे मिलना है? वो मैं मामा के बारे में पूछने आया। मामा? कौन मामा? मिलना किससे ही तो बताओ। मेरी मामा। मैं हुज़ैफ़ा हूँ मामी। हुज़ैफ़ा? अरे तुम हुज़ैफ़ा हो, कितने बड़े हो गए, कितने प्यारे हो गए हो। आओ आओ अंदर आओ। अच्छा सदियों की टूटी बेले दिल के दरीचे में लम्हों से झूठे लम्हे मुझसे अकेले। कहाँ जा रहे हैं मैडम? कहाँ जाएंगी? कुछ पैसे हैं मामा, इन्हें रख लीजिए, दवाओं वगैरह में काम आएंगे। अगर मुझे पता होता कि आप लोगों की हालत ऐसी है तो शायद मैं शर्मिंदा नहीं करूं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने तो भांजा होने का हक अदा कर दिया। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हें पता लिखवा देती हूँ, तुम हर माह इनकी दवाइयों का खर्चा भिजवा देना, बहुत अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये आपके पेशेंट हैं डॉक्टर? ये मेरे पेशेंट ही नहीं बल्कि मेरी माँ जैसी हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इनको यहाँ लेकर आए। हेलो ज़फ़ा, तुम जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचो फौरन।
फौरी सर्जरी करना पड़ी, हमें उनकी जान को अभी भी खतरा है, उनके लिए दुआ करो हुज़ैफ़ा। मेरी मामा को बचा लो, मैं उन्हें इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता, हमेशा के लिए खुद से दूर जाता हूँ, नहीं देख सकता मैं उन्हें। इसीलिए तो तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहने के लिए गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है। लेकिन अफसोस, एक बेटे के पास अपनी मरती हुई माँ के लिए वक्त नहीं था। तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे कुछ लेने आई हूँ, इसलिए तो बस यही चाहती हूँ कि अपने बेटे के पास। एक बात पूछूं आपसे, ये अपार्टमेंट लिए हुए मुझे 3 साल, इससे पहले आपने ये ख्याल तो मुझे उस वक्त है जिसमें तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें बोर्डिंग में डाल दिया, उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि जब तुम्हारी एजुकेशन मुकम्मल होगी तो फिर तुम्हारे साथ ही रहूँ हमेशा, अपनी आखिरी सांस तक। पूछो क्या पूछना चाहते हो। कब से बीमार है मामा कलीम? पिछले साल से, तुम्हारी शादी से कुछ अर्से पहले उन्हें इंजाइना का प्रॉब्लम हुआ था, रिपोर्ट्स आने पर पता चला कि वो हार्ट पेशेंट है। और ये बात तुम मुझे आज बता रहे, जब मेरी माँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में उतला है? उस वक्त बता देता तो क्या कर लेते तुम? क्या कर लेता मतलब? वही करता जो एक माँ के बीमार पड़ने पर उसके बेटे को करना चाहिए। माओं का ख्याल क्या उनके बीमार पड़ने पर रखा जाता है हुज़ैफ़ा? माओं का ख्याल उनके बीमार होने से पहले रखा जाता है, इससे पहले कि जख्म पर जख्म खाकर उनकी रूह बीमार पड़ जाए, इससे पहले कि उनके अंदर जीने की आस दम तोड़ जाए, इससे पहले कि उनकी ममता बेहसी की चादर उड़ जाए, इन सब बातों से पहले माँ का ख्याल रखा जाता है, समझे? मामा ठीक तो हो जाएंगे ना कलीम? एक डॉक्टर होने के नाते सिर्फ यही कहूंगा कि दुआ करो, दुआ में बड़ी ताकत होती है। सैफा हमारी मामा, शुक्र है तुमने सिर्फ अपनी मामा थी। कैसे बताऊं मैं कितनी उदासी है, अपने सगी औलाद से तो जानवर भी मोहब्बत करते, सगी औलाद से मोहब्बत करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। मुश्किल काम होता है किसी दूसरे की औलाद को इतना चाहना कि अपनी सगी औलाद के बराबर खड़ा कर देना। पर ये काम मेरी माँ ने किया, सारी जिंदगी वो ये मुश्किल काम करती है, इसलिए आज वो तुम्हारी माँ, मेरी माँ, फिनिश की माँ। सोचो अगर उन्होंने खुदगर्ज बनकर सिर्फ तुम्हें चाहा होता तो आज या मैं ना होता, फिनिश ना होती, बाबा ना होते। आज हम सब मिलकर मामा की जिंदगी की दुआ कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खुदगर्ज बनकर सिर्फ तुम्हें नहीं चाहा उसे तुम्हारी भी माँ। तुझसे जुड़ी है सांसें हो, दिल मेरा तोड़ा काहे है
हेलो मुज़फ़्फ़र, मामा कैसी हैं? बस सारी दुआ करो कि हमें हमारी मामा वापस मिल जाए। मुज़फ़्फ़र, जब मामा होश में आए ना तो उन्हें कहना मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। उनकी बेटी सानी उनका इंतजार कर रही है। मुज़फ़्फ़र, हम आएंगी ना हमारे घर? सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, इसे समझाओ, इसने कल से कुछ नहीं खाया, इसे को घर चला जाए, इसे बीमार पड़ जाएगा। फिर घर पे सानिया अकेली है, उसका अकेले होना ठीक नहीं। इसे कन्विंस करो बेटा कि हम हैं, हम संभाल लेंगे, फिक्र ना करे जाए, प्लीज। मुज़फ़्फ़र, भाभी घर पर अकेले होंगी, थोड़ी देर के लिए घर चले जाओ, हम लोग हैं यहाँ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। शाह मत करो, घर जाकर कुछ खा के फ्रेश होकर फिर आ जाना, इस तरह बीमार हो जाओगे। और अगर इस बीच में मामा को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? मिलने भी चढ़ने में कितने समय है बाकी, सांसें उखड़ने में। फोन क्यों उठा रहे थे? क्या हुआ? मामा को नहीं लाए? वो ठीक तो है ना? काश ये सवाल तुमने बहुत पहले कर लिया होता, काश ये बात हमें बहुत पहले समझ आ गई होती। सानी, हमने खुद अपने हाथों से खो दिया उन्हें। वक्त सब कुछ समझा देता है। शायद गुजर जाने के बाद मैं मां बनने वाली हूं। इस दौरान पर आकर मैंने समझा है कि मां क्या होती है। उसे मुझे मिलवा दो उनसे, सिर्फ एक बार। मैं अपने सारे गुनाहों की माफी मांग लूंगी, प्लीज। मैं जानती हूँ तुम्हें उनकी जरूरत है, मुझे उनकी जरूरत है, हमारे इस घर को उनकी जरूरत है। से मिलवा दो मुझे। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें,
दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें, ओ मेरा दर्द न जाने कोई हो, होए अभी से क्यों गम मना रहे हो बैठ के, अभी तो वो जिंदा है। मेरे बच्चों की खुशी है वो, उनके सर पे दुआओं का साया है वो। गम तो अब मैं अपना मनाता हूं, अपने इस खाली घर का मनाता हूं जिसके दरो दीवार पे गमों का साया है, जहां मेरे फैसलों की राह खुड़ती है, जहां मेरे गुरूर की खाक उड़ती है। अरे शुक्र करो कि अभी मैं इस घर में हूं, तुम्हारी उस सभिया बेगम की तरह छोड़ के नहीं चली गई तुम्हें। सबिया बेगम और तुम, सबिया बेगम तो इस घर की रौनक थी, उसकी रजा, उसका सब्र, उसकी खामोशी इस घर के लिए जन्नत थी, और तुम इस जहन्नुम का दारोगा हो जिसे मैं अपने गुनाहों का कफारा समझ के बर्दाश्त कर रहा हूं। दिल चाहता है तुम्हारी जबान निकाल कर ना अजायब घर में रख दूं, ताकि दूर दूर से लोग उस गोश्त के लौथड़े को आकर देखें जो दिल में सिर्फ सुराख करना जानती है। अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं आप, क्योंकि मैं यहां सिर्फ आपके लिए आया हूं, और छुट्टियां बहुत थोड़ी सी रह गई हैं, और मैं जाने से पहले आपको बिल्कुल सेहतमंद देखना चाहता हूं। तुमने देख लिया बेटा, आधी बीमारी खुद ही खत्म हो गई, अब तो मौत भी आ जाए तो सुकून से मर सकती हूँ। मामा प्लीज, मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं रही, बस सुकून से मरना चाहती हूँ। प्लीज ऐसा मत करिए। क्या फायदा हुआ, यहाँ तुम अकेली हो, हम रह के ना। बड़ी बेगम साहबा यहीं रहेंगी? हाँ यहीं रहेंगी, आखिर ये उनके बेटे का घर है। मैं शाम के साथ जाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सानी, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं लेकर आऊंगी उन्हें। नजर आपा की शक्ल में उन्हें दुनिया में ही सजा मिल गई। आंटी क्या हो गया आपको? रूबी,
रूबी उसे बुला लो, रूबी तो जा रहा है, उसे बुला लो। क्या हुआ मामा को? मामा तुमसे मिलना चाहती है उसे, आखिरी बार। प्यार शाम, प्यार। बुझने लगी है आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी है सांसें हो, दिल मेरा तोड़ा काहे है, ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो, मेरा दर्द न जाने कोई हो।